तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक बुलेट है, अ बुलेट ऑफ मास 0.01 एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक एट द ब्लॉक ऑफ 2 kg व्हिच इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड आउट टू बी राइज टू राइज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक। मतलब ये क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है जो कि सस्पेंडेड है, ठीक है, जो बिफोर कोलिजन है, कोलिजन से पहले क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक है 2 kg का, वो एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है जो कि 5 मीटर लेंथ है उसकी, ठीक है, और एक बुलेट है जिसका मास 0.01 kg है, उसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड, वो इस पर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद इससे निकल के जाता है और फिर जो निकल के जाएगा तो ऐसा कुछ होगा कि इसके इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे देगा अपनी वो, ठीक है, और इसकी कुछ वेलोसिटी निकल के आएगी इधर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जब ये ट्रेवल करेगा, ये कितना ऊपर तक ट्रेवल करेगा, इस पर एक सिंपल पेंडुलम मोशन टाइप मोशन करेगा, तो जो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 0.01 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपने पता करना है कि जब ये बुलेट निकली होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो बिफोर कोलिजन जैसा मैंने बनाया कि यहाँ पे क्या है, ये रीजन है, और दूसरे उसमें क्या है, आफ्टर कोलिजन यहाँ से बाहर निकली होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इसको कुछ वेलोसिटी दे देगा और वो वेलोसिटी से ही क्या करेगा, सिंपल पेंडुलम मोशन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का कैसे, कि अपने को गिवन है कि जो यहाँ पे है इसको क्या मान लो अपन, इसको क्या मान लेते हैं, इसको और पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज होगी यहाँ पे वो उतनी ही इंक्रीज होगी यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम, इसको एम को मैं बोलूंगा ब्लॉक के लिए, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम कैपिटल वाला, ये कैपिटल वी बोलूंगा इसको, कैपिटल वी स्क्वायर, ठीक है। तो एम से एम कट जाएगा ये, तो जी हम क्या लेंगे यहाँ पे 9.8 लेंगे, ठीक है, वैसे हम 10 भी ले सकते हैं लेकिन 9.8 लेने से हमारा आंसर सीधा डायरेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वो कैसे बनेगा भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, आप कुछ भी ले लेना क्योंकि वैसे भी हमें तो ये हटाएंगे यहाँ से 10, ये भी 10 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 196/100, ठीक है। अगर आप 10 लेते तो 200 आ जाता है, 2 आ जाता है, तो 2 का रूट 2 भी 1.4 ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या आ जाता है, एग्जैक्ट आ जाता है 14/10 जब हम इसका रूट लेंगे, ठीक है। तो ये V इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल V जो आया, ये आया 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1.4 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है ये क्या करेगी, ये इसको पेंडुलम मोशन में लगाएगी, ठीक है, लेकिन अपने को तो वेलोसिटी निकालनी है। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, अगर इन दोनों को हम टोटल को इस पूरे उसको सिस्टम ले लें, ठीक है, तो इस पूरे उसको सिस्टम ले लेंगे तो ये कोई एक्सटर्नल टॉर्क आई नहीं हमारे पास, तो जो भी टॉर्क होगी वो सब इस मतलब इंटरनली होगी अगर लगेगी भी तो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम नहीं लगाते जब कोई मोशन पेंडुलम या सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तब रोटेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम पहले यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन अपने को पता ही है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो पहले क्या था, जब ये इस पर टच करेगा, अपन इसके कंडीशन में मानेंगे, तो ये क्या होगा, स्मॉल एम इंटू वी वन मतलब ये वेलोसिटी इंटू आर तो सबके लिए सेम ही है क्योंकि इसी पॉइंट पर सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जो होगा फाइनल मोमेंटम में कैपिटल एम कैपिटल वी इंटू आर, ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, एम वी टू आर, तो आर से आर गया। तो अगर कॉन्सेप्ट हम वो लगा रहे हैं लीनियर मोमेंटम का, आंसर सेम आएगा लेकिन वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये
रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अपन, तो ये कितना दे रखा था, 0.01 kg, और ये 500 दे रखा था, और ये कितना निकला था, 1.4 निकला था वेलोसिटी, और मास कितना था इसका, 2 kg था, और ये 0.01 V2 हमें निकालना है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 2.8 हो गया, ये 0.01 × V2, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2.2 × V2, तो V2 जो आएगा वो कितना आएगा, 2.2 × 0.01 = 220 m/s, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 220 m/s। थैंक यू।